सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। तो गाइस हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो माइनक्राफ्ट के आज के ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे बनाते हैं एक अनलिमिटेड एक्सपी फार्म, वो भी जॉम्बीज वाला। तो मतलब जॉम्बी एक्सपी फार्म समझ लेना। तो फटाफट से भी मैं यहाँ पर एक अच्छा खासा रूम बना लेता हूँ। 5x5 का मुझे एक रूम बनाना है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक अच्छा सा बॉर्डर कर लेता हूँ 5x5 का, बाद में कोई गलती ना हो उसके लिए। तो यहाँ पर अच्छे से 5x5 का एक मतलब बॉर्डर कर लेते हैं, फिर वो डिग आउट कर लेंगे और अच्छे से रूम बना लेंगे। तो यहाँ पर हो गया है, और देखते हैं यहाँ पर ये 5x5 नहीं दिख रहा है मेरे को तो बिल्कुल। तो मुझे अभी देखना होगा किस साइड से गलती हुआ है, तो बराबर से काउंट करके अच्छे से वो कर देना मुझे। तो लेट्स गो, यहाँ पर तो नहीं हुआ है कुछ गलती यहाँ इस साइड। हाँ, तो ये इस साइड हो गया कुछ गलती। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था ब्लॉक्स, तो ये मेरे ओके, तो ये मैंने फिल कर दिया, मतलब डिक कर दिया और एक तरीके से फिल भी कर दिया उस साइड। तो यहाँ पर ही मुझे ये ब्लॉक्स हटा देने, अभी अंदर की तरफ डिग आउट कर देना है। तो फटाफट से कर लेना है ये मिडल वाला ब्लॉक, आप चाहो तो रखो या फिर डिग कर देना, बाद में भी आप लगा सकते हो क्योंकि इसका एक काम आएगा। तो लेट्स गो। तो ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने 5x5 का भी लिया है, और ये ब्लॉक का भी कुछ काम नहीं है, मैं बाद में इसको लगा दूंगा। तो आप अच्छे से व्यू ले लो। तो ऑलराइट गाइस, ये मुझे ये 5x5 का रूम बना के हो गया है। तो अभी अंदर की तरफ मुझे एक 4x4 का रूम बनाना है। ये आगे के जो ब्लॉक्स है जो अभी मैं तोड़ रहा हूँ, इसको आप काउंट मत करना, नहीं तो 5x5 हो जाएगा ये। तो इसको काउंट मत करना, अंदर की तरफ 4x4 बनाना है। तो लेट्स गो, इसको तोड़ डालते हैं। लेट्स गो, ये भी हो गया है। तो अंदर की तरफ अभी ये मतलब ये ब्लॉक को आप काउंट मत करना है, ये एक बॉर्डर हो गया समझ लो। अभी अंदर की तरफ 4x4 काउंट करना है। तो ये एक हो गया, एक दो और ये तीन और ये चार, तो ये चार हो गया अंदर की तरफ। ऐसे ही आपको सारे ब्लॉक्स तोड़ने हैं 4x4 करके रूम बनाना है। तो लेट्स गो, फटाफट से कर लेते हैं इसको। तो ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने 4x4 का एक अच्छा खासा रूम बना भी लिया है, और ये टोटल काउंट करोगे तो 9 ब्लॉक्स होगा मेरे ख्याल से। तो मैंने तो काउंट किया तो 9 ब्लॉक्स मुझे मिला है। तो आप भी बराबर से काउंट कर लेना ताकि ये अच्छे से बन भी जाए, और ये जो अभी जो मैंने बनाया रूम, इसका एग्जैक्ट जो बॉर्डर पॉइंट होगा वहाँ पर आपको ऊपर की तरफ 2 ब्लॉक्स लगा देना है, और नीचे की तरफ 1 ब्लॉक का मतलब ऐसा बॉर्डर बना देना है जैसे कि मैं बना रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको भी बनाना है, और यहाँ पर भी लगा देना है, और ये भी हो गया। और ये जो बीच वाला ब्लॉक है इसको तोड़ डालना है, मतलब ये कि ये रास्ता बन जाएगा हमारे आने जाने के लिए उस साइड और इस साइड में। तो लेट्स गो, ये आप जैसे कि आप देख सकते हो ये हो गया ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर मुझे ये जो बीच का ब्लॉक जो मैंने तोड़ा था, यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से लगा भी सकते हो अगर आपने तोड़ा होगा तो। तो यहाँ पर मुझे ट्रैपडोर लगाना है, यहाँ पर नहीं, एक ब्लॉक छोड़ करके लगाना है। तो यहाँ पर लगा देते हैं, और यहाँ पर भाई साहब क्या हो रहा है, ये यहाँ पर ये तोड़ डालते हैं, और ये ब्लॉक, और फिर यहाँ पर भी लगा देते हैं। लेट्स गो, आई मीन भाई क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर लग जाए। ओके, फटाफट से भी लगाते हैं। तो ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने सारे मतलब जो ट्रैपडोर थे लगा दिया। अभी आपको ये वाला जो सेंटर ब्लॉक था हमारा, उसके आजू बाजू में भी जो है ट्रैपडोर लगा देना है चारों साइड से, ताकि मतलब जो जॉम्बीज आएंगे वो डायरेक्ट नीचे गिर जाएं, ये यहाँ तक ना पहुँच पाएँ। यहाँ पर अभी हमें सी टर्टल एग लेकर लगा देना है, जो कि आपको ओशंस के जो किनारे पर जो रहता है वो वहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर टर्टल्स आपको दिखेंगे वहाँ पर आपको ज़रूर मिल जाएगा ओशंस के आसपास में। तो वहाँ पर आप जाके ढूंढ लेना और पिकेक्स से तोड़ कर ले आना और यहाँ पर लगा देना। तो यहाँ पर मैं लैंटर्न लगा देता हूँ, और ये जो सेंटर का जो ब्लॉक है इसको मैं तोड़ डालता हूँ, ताकि मैं ऊपर के लिए जो है रास्ता बना सकूँ। यहाँ पर मुझे लैडर लेकर लगा देना है, और ऊपर जाने के लिए अच्छा खासा रास्ता बन जाएगा। यहाँ पर मैं ब्लॉक्स प्लेस कर देना हूँ। यहाँ पर ये ब्लॉक्स प्लेस करना कंपलसरी नहीं है मेरे लिए, मैं लगा रहा हूँ, मैं बराबर से चढ़ नहीं पाता हूँ लैडर्स पे, गिर जाता हूँ चढ़ते वक्त। तो एक फ्लो में अच्छे से चढ़ने के लिए मैंने वो ब्लॉक्स लगाया, ताकि इधर उधर ना चला जाऊँ मैं। तो आप भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये यहाँ पर मैंने अभी ट्रैपडोर लगा दिया है, एक अच्छा खासा रास्ता, मतलब डोर का काम हो जाएगा, कोई भी आ नहीं सकते हैं बिना ट्रैपडोर खोले। तो ये अभी हो गया हमारा एक अच्छा खासा। तो यहाँ पर मुझे वापस ट्रैपडोर लगा देना है,
यहाँ पर ये गलत हो गया, तो नहीं ये भी गलत हो गया। तो अभी मुझे यहाँ पर ये तोड़ना होगा मेरे ख्याल से, अभी के लिए तोड़ डालता हूँ मैं इसको, बाद में अच्छे से लगा देगा। तो यहाँ पर अभी मुझे ट्रैप डोर लगाना है इसके ऊपर और इसके ऊपर भी, ये भी और ये भी। तो ऑलरेडी गाइस यहाँ पर ट्रैप डोर लगा दिया, तो मेरे ख्याल से मुझे ये वाले ब्लॉक्स तोड़ने होंगे, ये तोड़ना होगा मेरे ख्याल से। तो हाँ, तो ये जो है सामने वाला ब्लॉक तोड़ दिया मैंने, और इसके जस्ट सामने वाले ब्लॉक पे मुझे ट्रैप डोर प्लेस करना है, ताकि ये अच्छा खासा गेट की तरह काम करेगा, मतलब दरवाज़ा बन जाएगा हमारा उस साइड आने जाने के लिए। जॉम्बीज इस साइड नहीं आ पाएंगे और हम इसको खोल के उस साइड जा पाएंगे। तो लेट्स गो, यहाँ पर अच्छा खासा बन गया। तो अभी मैं यहाँ पर हुपर लगा रहा हूँ। हुपर लगाना कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहो तो ना भी लगाओ। तो मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि वो जो लूट है एक मतलब अच्छी तरीके से हुपर्स में कलेक्ट होकर एक चेस्ट में अच्छी तरीके से आ जाए, नहीं तो बाद में वो बार बार जमा करना पड़ता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो एक फॉर्मेट में अच्छे से चेस्ट में आ जाएगा, वो एक मतलब बढ़िया हो जाएगा। तो अभी मैं फटाफट से सारे हुपर्स को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। तो ऑल राइट गाइज, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने सारे हुपर्स को आपस में कनेक्ट कर देते। एक फाइनल हुपर लगाना है जो कि हमारे चेस्ट से मतलब जो चेस्ट होगा उससे जाके कनेक्ट होने वाला है। तो ये ब्लॉक तोड़ देना है मुझे और यहाँ पर एक चेस्ट प्लेस करना है। आप चाहो तो सिंगल चेस्ट भी प्लेस करना, मैं यहाँ पर डबल चेस्ट प्लेस करने वाला हूँ। तो ये ब्लॉक मतलब ये चेस्ट तोड़ना है और यहाँ पर ये डबल चेस्ट हो गया। तो यहाँ पर अभी ये कहाँ पर लग रहा है भाई सब, हाँ तो ये हो गया। और यहाँ पर मैं चेस्ट लगा देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चेस्ट हो जाएगा, मतलब एक अच्छा सा डेकोरेशन भी हो जाएगा, और जो हमारा कुछ सामान रखना होगा तो यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो आप भी चाहो तो लगा सकते हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर ये फाइनल हो गया है, यहाँ पर एक लैंटर्न लगा दे, थोड़ा उजाला उजाला हो जाएगा, अच्छा लगेगा रात के टाइम पे। तो आगे के साइड भी मतलब उस साइड भी मैं लैंटर्न्स लगा देता हूँ, ताकि अगर क्रीपर और स्केलेटन ज़ॉम्बी या फिर स्पाइडर वगैरह आ जाए तो दिख जाए, नहीं तो अगर क्रीपर फूट गया तब तो प्रॉब्लम होना ही है, पूरा ये जो है वापस बनाना होगा। तो अभी फटाफट से ऊपर चलते हैं और देखते हैं। तो ऑल राइट गाइज, अभी मैं बाहर आ चुका हूँ और देखते हैं कैसा लग रहा है हमारा फार्म, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो अभी मुझे सिर्फ रात होने का इंतज़ार है, ज़ॉम्बीज आते हैं कि नहीं देखने के लिए। सो ऑल राइट गाइज, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर रात हो गया, ज़ॉम्बीज भी आ चुके हैं, पर एक प्रॉब्लम हो गया, मैंने ये ना फार्म जो है मैंने माउंटेन पे बनाया, तो उस वजह से ज़ॉम्बीज चढ़ नहीं पा रहे इस माउंटेन पे। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया, आप भी ऐसी जगह पे बनाना मतलब जहाँ पर ज़ॉम्बीज आ जा सके, ऐसे माउंटेन व्यूटेन पे मत बनाना, तो मेरे ऐसा स्कैम हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर अच्छे से इसको रिपेयर करता हूँ। तो ऑल राइट गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर थोड़े बहुत ज़ॉम्बीज आ चुके हैं और मैंने थोड़े बहुत कुछ स्पॉन मतलब स्पॉन भी किया है। तो यहाँ पर अभी मेरा कुछ XP 19 था, अभी यहाँ पर बढ़ के 20 हो चुका है। तो अभी देखते हैं मारते मारते और कितना बढ़ता है। तो लेट्स गो गाइस, अभी इसको फटाफट से मारते हैं। ओके ऑल राइट गाइज, यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारे ज़ॉम्बीज को मतलब पूरे के पूरे मार दिए, अभी देखते हैं बढ़ के हमारा XP कितना बढ़ता है। तो यहाँ पर मेरा XP 22 हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो ऑल राइट गाइज, यहाँ पर मैंने मतलब और ज़ॉम्बीज को मारते मारते मेरा XP जो है वो 22 तक हो गया, और अच्छा खासा रोटेन फ्लेश का लूट भी आ चुका है। आप चाहो तो रोटेन फ्लेश आपके सर्वाइवल के लिए रख भी सकते हो या फिर ना भी। तो गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने अच्छा खासा एक कुछ रूफ टाइप बना दिया है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबा देना और कमेंट से बता देना। और यहाँ पर मैंने एक रेड कलर का बेड भी लगा दिया, इसी बहाने आप रेड कलर का सब्सक्राइब बटन जो नीचे दिख रहा है उसको भी दबा दो। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि जो मतलब रात को जो ज़ॉम्बीज आ जाते हैं या फिर अगर मैं उनको मार ना पाऊँ तो दिन के टाइम में वो मतलब मर ना जाए सनलाइट की वजह से, तो इसलिए वो लोग को एक कवर मिल जाएगा और मैं बाद में आके उनको मार के अच्छा खासा XP कलेक्ट कर पाऊँगा। ये आप ना भी बनाओ तो भी चलेगा, पर बना लोगे तो एक अच्छा हो जाएगा, जो ज़ॉम्बीज होंगे वो आप कभी भी मार सकते हो डिस्पॉन होने तक। तो यहाँ पर अच्छा खासा एक व्यू भी मिल जाएगा आपको, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना और कमेंट्स में भी बता देना आपको ऐसे कौन से वीडियोस चाहिए, कौन से फार्म्स चाहिए, मैं उनके ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा। और बाकी हमारे वीडियोस को भी मतलब जो चैनल को चेकआउट कर लो, ऐसे ही मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं, तो जाके देख लो। ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल को नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।